सीएसआईआर में प्रेशर जो क्रिएट होता है वो एक्चुअली टाइम का प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि उसमें जो है क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं और टाइम कम होता है। और इसके लिए जो होता है कि आपको कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट जैसे करना तो 25, 35 और 10 ही होता है। अगर आप देखोगे तो 25, 35, 55, 10, 65 ही होता है उसमें भी क्वेश्चन करने, अगर आपके सीएसआईआर की बात करें। लेकिन सीएसआईआर के जो क्वेश्चन का लेवल होता है या जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती है, और उसमें लेंदी या ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो हम ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि ये चूज करें, ये क्वेश्चन करें या वो क्वेश्चन करें। गेट में ये एडवांटेज होता है कि आपके पास ऑप्शन होता नहीं है कुछ भी, आपको 65 ही क्वेश्चन होते हैं। अब उसमें से आप या तो पूरा कर डालो या तो बेसिकली जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आप छोड़ भी सकते हो अकॉर्डिंगली। ये चीज़ ध्यान रखना कि सीएसआईआर और गेट में, और गेट का जो नेगेटिव मार्किंग है आप सभी लोगों को पहले से भी पता होगा कि गेट में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की होती है एज कम्पेयर टू द सीएसआईआर। सीएसआईआर में जो मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। मतलब अगर आप एक नंबर का क्वेश्चन, जो 2 नंबर का क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 1/4 यानी 0.5 मार्क्स जो होता है एज ए निगेटिव कटता है। बट गेट में क्या होता है कि अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपका 0.67 मार्क्स जो है वो काटे जाते हैं। ये चीज चलती है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे देखो कंडीशंस, छोटी छोटी जो है टिप्स बात करने की कोशिश करता हूँ, और उनमें से कुछ मैंने सीएसआईआर के लिए यूट्यूब सेशंस पे कल लिया था एक दो टिप्स, बट उनको एक बार फिर से मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप एग्जाम से पहले या एक दिन पहले क्या करना है कल आपको, और एग्जामिनेशन डेट पे क्या करना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जैसा मैंने पहले भी बता रखा है बहुत बार कि अगर आपको एग्जामिनेशन डे पे अपने ब्रेन की इफिशियंसी को मैक्सिमली यूटिलाइज करना है, आप चाहते हैं कि मैं जो है अपने पूरी की पूरी जो मेरी इफिशियंसी है ब्रेन की वो मैं मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सकूं, उसके लिए आप थोड़ा सा काम और कूल रहना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से कुछ थोड़े देर तक या थोड़े कंडीशंस तक क्या करिए आप कि उन सर्कमस्टेंसेस को, जिन सर्कमस्टेंसेस से आपको कोई नेगेटिव वाइब्स या कोई टेंशन वाली कंडीशंस डेवलप होती है, उन कंडीशंस को जो है आप अवॉइड करिए। चाहे आप उनसे इंटरेक्ट ना करके, चाहे थोड़ी देर बात ना करके, चाहे पर्सन हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे सिचुएशंस जो आपको इम्पैक्ट करते हैं, आपके मूड को रेगुलेट करते हैं। या आपको बेटर पता होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन से लोग हैं या ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके टाइम को कंज्यूम करता है, या ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो कि स्पेसिफिकली आपको कह सकते हैं कि डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसके लिए जो है आप प्रॉपरली उस चीज़ को कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर लीजिए और उनको 2 दिन तक बिल्कुल मत देखिएगा। सीएसआईआर के एग्जामिनेशंस में आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, ऑप्शंस होने की वजह से अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी हो गया या एक दो क्वेश्चन नहीं भी आता है, गलत का मतलब नहीं आता है, तो आपके पास फिर भी ये मौका रहता है कि अरे मेरे पास और ऑप्शन है, 75 में से सिर्फ 25 करने होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि चलो मुझे 3 में से 1 क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे गेट में तो आपके पास ऐसा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 2-3 क्वेश्चन नहीं बने तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत रेगुलरली या बहुत ही तेजी से जो है फॉल ऑफ हो जाता है, डाउन हो जाता है कि अरे यार मेरी प्रिपरेशन तो बेकार हो गई या मेरी कंडीशंस तो बेकार हो गई। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस या अपने जो चीज़ें हैं उसको सही तरीके से मेंटेन करने के लिए आप थोड़े बहुत चीज़ें जो है कुछ दिन पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि आप प्रॉपर स्लीप ले लीजिएगा, नींद अच्छी लीजिएगा, क्योंकि नींद का आपके मूड रेगुलेशन पे जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपके डाउट्स भी लूंगा, जितने सारे लोग हैं आप प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर ले। आपको 1-to-1 मैं इसीलिए वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ा हूँ ताकि मैं आपसे 1-to-1 बात कर सकूँ। डोंट वरी अबाउट दैट, पहले मैं कुछ से बता देता हूँ, उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिकली बात करनी है, थोड़ा सा नर्वसनेस आता है, तो उन सब चीज़ों से मैं आपसे 1-to-1 भी बात करूंगा थोड़ी थोड़ी देर तक। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। छोटी टिप्स या कुछ ऐसी टिप्स जो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। यही चीज़ है कि आप जब भी एक दिन पहले, यानी आज 10th है, कल 11th है और परसों 12th है, ठीक है। 11th वाले दिन अच्छे से नींद लीजिएगा। किसी का ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर है जो बहुत दूर गया हो, जिसको ट्रैवल करने की ज़रूरत हो, तो वो प्लीज़ ट्रैवल कर लेगा,
ऐसा नहीं है कि हाँ मैं जो है उसी दिन ट्रैवल करूँ या उसी दिन परेशान हूँ। आप अपने ट्रैवलिंग चीज़ों को देख के जैसे भी करके बस ट्रेन या जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके थ्रू आप ट्रैवल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे पहुँच के एग्जामिनेशन देने में। ठीक है, सो यस ट्रेन होगी आप लोगों की। मुझे पता है कई लोगों का दूर होता है या कई लोग आउट रिमोट लोकेशंस में होते हैं तो भी उनको दूर जाना पड़ता है, सेंटर्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, होता है कई लोगों के साथ। सो आप लोग प्रॉपर ट्रैवलिंग रख लीजिएगा। इसके साथ साथ जब ट्रैवलिंग करें तो कुछ मेडिसिंस, बेसिक मेडिसिंस अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मोशन सिकनेस होता है, कुछ लोगों को जो है कभी कभी कुछ अनसर्टेनिटीज हो सकती है। तो बेटर ये होता है कि कुछ बेसिक मेडिसिन जैसे फीवर, एलर्जी या जो बॉडी एक का होता है, ये सब कुछ बेसिक मेडिसिन, पैरासीटामोल, सिट्रजीन या ऐसे मेडिसिन आप रख सकते हैं कि अगर कुछ थोड़ा बहुत भी बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो आप रेगुलेट कर सकें खुद को, मतलब दवाई लेके सही कर सकें। इसके अलावा आप जब भी अगले दिन सुबह उठते हैं, जब एग्जामिनेशन डे वाले दिन, तो कोशिश करें एग्जामिनेशन ड्यूरेशन दो है, कई लोगों ने बीटी और एक्सल दोनों भरा होगा तो उनको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम एग्जाम देना पड़ेगा, और जिन्होंने सिर्फ बीटी या जिस सिर्फ एक्सल बड़ा भरा होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो कह सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशंस देंगे। तो जब भी आप प्रॉपर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो एक हेल्दी डाइट लेके, नॉर्मल डाइट का मतलब आप 10 पराठे मस्त ठूसने लग जाना सुबह सुबह। कई लोग, एक बार ऐसा हुआ था लखनऊ में, मैं एग्जाम देने गया था, वहाँ पे कुछ दोस्त थे, अब उन्होंने बोला कि भाई सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, अब वो उन्होंने मस्त बटर के साथ अच्छा पराठा जो है सब्जी के साथ खिलवा दिया। मैं भी रात में ज़्यादा खाया नहीं था, अच्छा खासा 7-8 पराठे खा लिए। एग्जामिनेशन टाइम में सेंटर पे बैठ के मेरे को पूरा कहते हैं यॉनिंग आ रही है, अरे यार अब नींद आने लगी, ब्रेन उतना तो इतना भी नहीं ठूस लेना है कि आपको यॉनिंग आने लगे। हेल्दी डाइट का मतलब बेसिकली फ्रूट्स लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्रूट्स और मिल्क, और सबसे अच्छा फ्रूट एनर्जेटिक फ्रूट और अच्छा फ्रूट बनाना आता है। अगर आप बनाना और मिल्क ले लेंगे तो आपका दिन भर का काम हो जाएगा, बिना ज़्यादा कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अदरवाइज अगर आप हैवी डाइट लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, बट अवॉइड करिएगा। इसके अलावा सेंटर पे डेफिनेटली कई सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपके वांटेड, आप कह सकते हैं कि नोन फेसेस में से भी हो सकते हैं। और फिलहाल तो लॉकडाउन में या आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन में एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे को कह सकते हैं उतना जानते नहीं है तो उतना, अब पहले तो सब लोग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते थे तो सबको सबका चेहरा याद होता था, अभी उतना है नहीं। और अभी मास्क का जमाना है, मास्क पहन के जाना है, सैनिटाइजर लेके जाना है, तो इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन होने वाला नहीं है। बट एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने आप को अवॉइड करिएगा कि आप जो है थोड़ा कम इंटरेक्ट करें किसी से, जितना आप कम इंटरेक्ट करेंगे उतना ही आपका लिए बेटर होगा। जो है क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कई सारे ऐसे खुराफाती बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं ना कि वो एग्जामिनेशन सेंटर पे भी पढ़ते रहेंगे, फॉर्मूला पढ़ते रहेंगे। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए ऑप्ट किए हुए हैं? हाउ मेनी ऑफ पीपल्स जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट किया हुआ है? ओके, सो जो लोग भी गेट बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट किए हैं देने के लिए, वो लोग फॉर्मूला बिना रिकॉल किए मत जाना। मतलब आप जो है कल रात तक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ये तो मुझे पता है, आप मानेंगे है नहीं, 11 की रात तक आप पढ़ेंगे, रिवीजन ही करेंगे, मतलब पढ़ने का मतलब, तो लास्ट टाइम पे फॉर्मूला सारा रिकॉल कर लेना, ठीक है ना। और एक काम करना, बहुत ही छोटी सी हेल्प बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ये किया हुआ है अपने साथ, ये CSIR में भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ साइंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी या ऐसे माइक्रोबायोलॉजी टारगेट करें जिसमें फॉर्मूलाज का यूज होता है। आपको करना क्या है, आपको जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे 15-20 मिनट पहले आपको एंट्री करा दी जाती है, और एंट्री करा देने के बाद जो होता है कि आपसे स्पेसिफिकली एक रफ पेपर और एक पेन या खुद प्रोवाइड करेंगे या आप अपना लेके जाएंगे, ये चीज़ आपके साथ करते हैं, ठीक है। उस पेन और पेपर से क्या करना है कि जनरली आपके पास 10-15 मिनट का समय खाली बचा रहता है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद, सब कुछ फिलअप करने के बाद, सारी चीजें पढ़ लेने के बाद आपके पास कम से कम 10-15 मिनट बचेगा अगर आप टाइमली सेंटर पे पहुंचे हैं तो। अब उस 10-15 मिनट में अगर आपके पास कुछ होता नहीं ना, तो
तो आप जो है कंफ्यूज होने लगते हैं, मतलब आपके दिमाग कंफ्यूज होने का मतलब आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती है, एग्जामिनेशन का पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, चार लोगों के चेहरे देखते हो, टेंशन समझ में आता है। इस चीज से क्या करना कि आपके पास जब रफ सीट आती है, वेन एवर यू गेट द रफ सीट एंड पेन, जितने फॉर्मूलेज आपने कल रात को याद करे थे, रिकॉल करे थे, अच्छे से 5-6 बार एकदम अच्छे से रिकॉल कर जाना, सुबह उनको लिख डालो 15 मिनट में बैठे बैठे। गेट एग्जामिनेशन में एक छोटू छोटे बहुत बड़े बड़े नहीं लिखना कि पूरा रफ सीट भर डाला, साइड में पैरेलली जो है रफ सीट में पूरे फॉर्मूले, छोटे 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 फॉर्मूलेज जो है टिपिकल फॉर्मूलेज लिख डालो, जो आपको एकदम याद है उसको नहीं, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि भूल सकते हैं, उनको जब फॉर्मूलेज लिख डालोगे ना एग्जामिनेशन के टाइम पे, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब कॉन्सेप्ट में लीन हो जाते हैं, क्वेश्चन में लीन हो जाते हैं, तो आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन होने लगती है। जब आप किसी और कॉन्सेप्ट 10-12 क्वेश्चन 10-12 कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं ना, तो दिमाग इतना ज्यादा दौड़ चुका होता है कि अब आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है। तो इससे अवॉइड करने के लिए खासकर बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग और जो न्यूमेरिकल्स जिन जो लोग ऑप्ट करने के लिए तैयारी करके जा रहे हैं, उन सारे लोग अगर आप फॉर्मूला लिख दिए रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये चीज़ मैंने भी करी हुई है गेट एग्जामिनेशंस में, और कई लोगों को मैं पहले भी सजेस्ट करता हूँ, जो इवन अपने दोस्तों को, मैं जब किया था तो मेरे उस फॉर्मूले जो मैंने लिखे थे उसमें से 4 क्वेश्चन आए थे। हालांकि मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिख डाला था जितना मैं पढ़ा था, लेकिन जो मैंने याद करके मेजर मेजर किया था उतने से मैं 4 क्वेश्चन फंसे थे जितना मैंने लिखा था। तो समटाइम्स ये एक कह सकते हैं कि अपने न्यूमेरिकल्स को और बेटर करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप जाएं क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, तो एक चीज जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, दैट सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। और सेल्फ बिलीफ ऐसा नहीं है, वो किसी को 100% नहीं आता, ठीक है ना, किसी को नहीं आता। जो टॉपर होता है उसको खुद नहीं पता होता कि वो टॉप करने वाला है, टू बी वेरी ट्रू। आप में से कितने ही लोग, पता नहीं कौन होगा, जैसे पिछले ही गेट एग्जामिनेशन में जो एक लर्नर था जो फर्स्ट रैंक लेके आया था, उसे खुद नहीं पता था कि वो जो है आपका टॉप करेगा, फर्स्ट रैंक लेके आएगा। मैं खुद जब 6 AIR लेके आया था तो मुझे खुद नहीं पता था। इसी में से कई ऐसे लोग होंगे जो अंडर 50 अंडर 10 रैंक भी लेके आ सकते हैं और उन्हें अभी रियलाइज नहीं हो रहा होगा कि वो कर सकते हैं। तो ये फीलिंग किसी को नहीं आती कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हाँ पढ़ने के बाद एक जो सुकून या बोल सकते हैं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आता है कि हमने एफर्ट कितना किया। इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि आपने एफर्ट कितना पुट किया। अगर आप एफर्ट जो है अपना 100% पुट किए रहेंगे तो आपके पास एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा कि आई हैव डन माई बेस्ट, अब इसको अच्छे से अप्लाई करना है, तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन से आराम से क्वेश्चन बनेंगे। तो इनमें से सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्री एजम्पशन मत करना कि मुझे सब कुछ आता है या मुझे कुछ नहीं आता। पेपर अगर इजी होगा तो सभी के लिए इजी होगा, पेपर अगर डिफिकल्ट होगा तो सभी के लिए डिफिकल्ट होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और पेपर में पूरा का पूरा पेपर कभी इजी और पूरा का पूरा पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं होता, सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो आपके पेपर को डिफिकल्ट या इजी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चंस ही होते हैं जिससे पेपर पूरा ये शिफ्ट हो जाता है डिफिकल्ट से इजी में, तो उन 2-4 क्वेश्चंस को आप कंसीडर करके चलो ही मत। आपको लिटरली बोल रहा हूं कि 65 में से अगर आपने सिर्फ ढंग से 30 क्वेश्चन भी कर लिए तो आप आराम से गेट क्वालिफाई कर जाओगे। 30 क्वेश्चन मतलब 50% ढंग से। गेट का कट ऑफ जो है उतना ज्यादा नहीं जाता जितना CSIR का जाता है एज कंपेयर टू द CSIR। और इसीलिए मैं आपको गेट के एग्जामिनेशन में एक और ये चीज सजेस्ट करना चाहता हूं, नेवर डू नेगेटिव। आप जितना करो 110% श्योरिटी के साथ करो कि ये मुझे आ रहा है और ये ही होगा आंसर। आप तुक्का मत मारना, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में तुक्का मारने का मतलब है कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और निगेटिव का बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको। कई सारे लोग ऐसे होते हैं और आप खुद फील किए होंगे अपने, अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट दिए होंगे, कि 0.5 मार्क्स भी कई लोगों को क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई से रोक देते हैं। काश एक क्वेश्चन वो गलत नहीं किया होता तो आज मैं क्वालिफाई होता, ऐसे आपके लाइफ में भी मिलते होंगे या कभी आपने खुद फील किया होगा। सो वो काश मत रहने देना,
जो करना सही करना और कॉन्फिडेंस के साथ करना। इसके अलावा गेट एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं और 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके दो दो नंबर के होते हैं गेट बायोटेक्नोलॉजीज में। इसके अलावा गेट एक्सेल में आपके पास एक केमिस्ट्री का सेक्शन होता है और इस एक जो होता है 15 क्वेश्चन उसमें से आते हैं और दो सेक्शंस आपको 5 में से अटेम्प्ट करने होते हैं जिसमें जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और फूड बायोटेक्नोलॉजी होता है। देखो आप वहाँ पे जाके भी अपने चॉइस को बदल सकते हो। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो होते जूलॉजी से है लेकिन बायोकेमिस्ट्री पढ़े रहते हैं माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़े रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा गेट एग्जामिनेशन के टाइम पे आपसे बोला था कि एटलीस्ट 3 सेक्शन टारगेट करना ताकि कभी कभी कोई सेक्शन डिफिकल्ट आ जाए तो आप बाकी दो सेक्शन से अपना काम निकाल लो। ठीक है, सो ये चीज वहां पे जाके आप बदल सकते हो। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में कौन से दो सेक्शन ऑप्ट करने हैं या कौन से सब्जेक्ट चूज किए उससे मैटर नहीं करता। आप एग्जामिनेशन देते वक्त अगर आपको लगता है कि मैंने जो है जूलॉजी की जगह बॉटनी में करूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ तो आप वो ऑप्ट करिए अगर आपको आता है तब। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन टाइम में भी आपको लगे तब। अगर आप देखोगे 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का, 10 क्वेश्चन जो होता है वो आपके 15 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का केमिस्ट्री का, 20 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का और 20 क्वेश्चन या 20 20 40 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वाइज, मतलब टोटल वहां पे भी आपके पास 65 क्वेश्चन आते हैं एक्सेल में। एक्सेल में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी और एक्सेल में दो ही चीज, एक बायोटेक्नोलॉजी के पास एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे कोई केमिस्ट्री नहीं होती, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में एक डिसएडवांटेज ये होता है जो लोग एक्सेल वाले में कह सकते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं क्योंकि यहाँ पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आता है या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जिसको हम बोलते हैं वो इनपुट आता है, तो वो भी एक लार्ज सेक्शन ले जाता है लेकिन इतना नहीं जितना केमिस्ट्री खींचता है आपके एक्सेल में। इसलिए एक्सेल को करना एक अपने आप में, अगर आप सब्जेक्ट में आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है क्योंकि आपको जो 40 क्वेश्चन है वही आपके चीजें डिफाइन करती हैं। आप लोग लाइफ साइंस के होते हैं जनरल एप्टीट्यूड से डरते रहते हैं कि भैया जनरल एप्टीट्यूड है इससे दूर हटके रहो। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड से आप ऐसे ही परेशान होते रहते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो करते हैं कुछ छोड़ देते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में आपको डर लगता है जैसे किसी ने बोला था, केमिस्ट्री से डरने की जरूरत है नहीं। आप चाहो तो केमिस्ट्री जो है जो क्वेश्चंस आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा उसको अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही कॉमन होते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, SN1 SN2 रिएक्शन से, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से जो होता है। इसके अलावा कुछ बेसिक नाम के जो रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में जैसे डाइएल्डर रिएक्शंस, अलग अलग रिएक्शंस होते हैं उनसे कभी बनते हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से होता है तो कुछ ही स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वहां से उठ उठ के क्वेश्चन आते हैं। एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन होगा, एक काइनेटिक्स का क्वेश्चन होगा, तो काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स और डेल्टा जी ये तो आपके खुद ही बायो केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं। तो स्टिल जो होता है कि आप थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो 5 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री में ला सकते हैं आसानी से। इसके अलावा जो होता है कि कोर सब्जेक्ट्स में आप कोशिश करिएगा जितना सही कर सके और जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सके। अब सवाल आता है कि उस 3 घंटे में, जैसा कि मैं पहले भी बोलता हूं कि आपकी शुरुआत अगर अच्छी रही, अगर आप पहली बॉल जैसे क्रिकेट जब खेलने जाते हैं तो पहली बॉल जितने अच्छे से खेलते हैं अगर आपकी शुरुआत चौके से हो गई या छक्के से हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो वैसे ही आपका शुरुआत जो है उस क्वेश्चन से करना है जो आपको 110% आता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ गेट में टाइम भर भर के रहेगा, आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आपका 3 घंटा खत्म नहीं होगा। अगर आप लिटरली, चाहे आपको आता हो चाहे आपको ना आता हो, आपके पास टाइम बहुत है, इनफ मिलेगा इन द केस ऑफ गेट। आपको आता रहेगा तो भी जल्दी करके निपट लोगे, तो भी खाली समय भी बचेगा, नहीं आता होगा तो भी आपको वैसे भी बैठना पड़ेगा। इसीलिए पूरे के पूरे सेक्शन ए या सेक्शन बी, ध्यान रखना सेक्शन बी का मतलब जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, वहां पे आपने सभी लोगों ने डैशबोर्ड देख लिया है ना एनटीए का, एक बार जाके जिन्होंने कभी डैशबोर्ड विजिट नहीं किया है एनटीए पे मॉक टेस्ट पे जाके डैशबोर्ड देख लेना कि एनटीए का डैशबोर्ड कैसे काम करता है। ठीक है, सो वो डैशबोर्ड आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको जो है मैं एक वीडियो भी उस पर बना दूंगा डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा आज ही, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगर नहीं देखा है तो
जब भी पूरे के पूरे 65 क्वेश्चंस में से तो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर उसी में मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि सबसे इजीएस्ट पोर्शन होता है पूरे के पूरे क्वेश्चंस में से, मैच ऑफ द फॉलोइंग। आप कोशिश करिए कि मैच ऑफ द फॉलोइंग ढूंढने की अपने एग्जामिनेशन के पेपर में, या कोई एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढने की जो आपको 110% आता है। पहला क्वेश्चन वही करना है आपको, क्वेश्चन जो है स्क्रॉल करते चले जाना है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। मैंने मुझे आता है नहीं आता मुझे नहीं, पहला क्वेश्चन टाइम उसी को दीजिएगा सॉल्व करने में जो आपको आता हो। जैसे ही आपने वो सही किया आपका कॉन्फिडेंस पीक पे चला जाएगा, फिर आपको नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी आपका दिमाग थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ काम करेगा। और अगर आपने पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ऑप्ट किया जो आपको गलत कर दिया या आपसे नहीं बना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है लूज हो जाएगा, फिर आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे। सो ये चीज पहले क्वेश्चन के साथ करिएगा, और कोशिश करिएगा कॉमन सेंस लगाने की। कॉमन सेंस जो कि ओबीसी टेक्निक में अक्सर सीएसआईआर के लिए बताता हूं, लेकिन वो टेक्निक गेट के लिए भी काम करती है कुछ पहलू में। ऑड वन आउट बहुत जगहों पे मिलेगा, जहां पे आप ऑप्शंस देखोगे तो, ऑल दो यहाँ पे थोड़े मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ज्यादा आते हैं, बट आप कोशिश करेंगे तो ऑड वन आउट का कंडीशन जो है वो आपको मिलेगा। दो तीन चीजें अलग बात कर रही होंगी, एक एक अलग तरीके से बात कर रहा होगा, एंड कुछ आपके एक गेट एग्जामिनेशन में MSQ स्टेटमेंट्स भी निकाले गए हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, जिसमें एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन है जो CSIR पूछता है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, जिसमें 4-5 स्टेटमेंट्स में से 2-3 स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। तो MSQ जो होते हैं ये केयरफुली ऑप्ट करिएगा, क्योंकि केयरफुली इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में या आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है, आपको पता होना चाहिए कि क्यों गलत है और क्यों सही है। आप तुक्का नहीं मार सकते इसमें कि हाँ ये तुक्का मार दिए चलेगा, एक दो से काम नहीं होगा, आपको हर एक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है जो होता है नैट टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें आपको की कह सकते हैं कि वहां पे डिजिटल बोर्ड रहेगा, वहां से आपको फिलअप करना रहेगा, ठीक है। आपको कीबोर्ड टच नहीं करना होता, ये ध्यान रखना, कीबोर्ड टच करोगे सिस्टम लॉक हो जाएगा, आपका समय बर्बाद होगा, वो आके आपको डांटेगा, फिर आपका सिस्टम सही करेगा, 5-10 मिनट आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए कीबोर्ड टच नहीं करना होता, सारा काम माउस से होता है, तो माउस से ही इंटर करना होता है। वहां पे वर्चुअल कीबोर्ड आता है और वर्चुअल कीबोर्ड के थ्रू आपको आंसर जो है वहां पे पुट करना होता। नेट टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं और जो MSQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। MSQ मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस और नेट टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के कभी नहीं आना, बात समझ में आई। गेट में नेट टाइप के क्वेश्चन को कभी भी छोड़ के नहीं आना। कई सारे लोग सोचते हैं कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता तो छोड़ देते हैं, नेवर। अगर कभी किस्मत अच्छी रही, गलती से भी अगर एक, देखो जो छोड़ के आ रहे थे उनको गलत करके आपका लॉस तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें, अगर आपका सही हो गया तो आपके बल्ले बल्ले हैं। ऐसे मेरे 2 क्वेश्चन सही हुए थे जब मैंने किए थे नेट टाइप के क्वेश्चन में, 2019 जब मैंने गेट एक बार दिया था, 2016 की बात अलावा एक बार और मैंने गेट दिया था 2019 में, तो उस वक्त मेरी 17th रैंक आई थी गेट में। सो उस टाइम पे जो है कि जब आप करते हैं नेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास यूनिट्स होते हैं एग्जामिनेशन में। जब भी नेट टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है तो ज्यादातर आपके पास दिया रहता है कि बताइए ये क्या होगा इन द यूनिट, माइक्रोमोलर, माइक्रोमोल पर मिनट, समथिंग पर मिनट। आप यूनिट को मैन्यूपुलेशन, जो भी वैल्यू ऊपर दिए गए हैं उनके यूनिट्स भी दिए जाते हैं, आपको जो पूछा गया है उसका यूनिट दिया गया है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं ऊपर के यूनिट को कैसे मैन्यूपुलेट करूं कि मेरा नीचे वाला यूनिट आ जाए। अगर आपको कुछ फॉर्मूला नहीं आता, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, आप सिर्फ यूनिट मैनिपुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व करके एनएट टाइप में भर के चले आना। इससे अगर कोई भी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कई बार एंजाइम एक्टिविटी का क्वेश्चन होता है, प्रोटीन एक्टिविटी में जो है माइक्रोमोल पर मिनट पूछ दिया जाता है, माइक्रोमोल एंजाइम दिया है इतने टाइम में हो रहा है, व्हाट इज द एक्टिविटी, तो आप उसका यूनिट रहेगा माइक्रोमोल पर मिनट। किसी को फॉर्मूला नहीं पता है,
लेकिन फिर भी देखेगा कि इतने माइक्रोमोल कन्वर्ट हो रहे हैं, इतने मिनट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इनको दोनों को डिवाइड कर दूं, माइक्रोमोल ऊपर मिनट नीचे, तो मुझे माइक्रोमोल पर मिनट मिल जाएगा। सो इससे ही सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कुछ ऐसी चीजें जो है आप कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। बहुत सारे मतलब सारे क्वेश्चन में नहीं लगेगा, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग ये वाला काम है। अगर आपको ओरिजिनल फॉर्मूला या आपको सब आता है तो अच्छी बात है, बट अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ऐसे तुक्का मार सकते हैं जिसको हम बोलते हैं।